हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जब आप अपने घर का बाथरूम में का जो टाइल का काम करते हो उस वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो आप कुछ गलतियाँ कर देते हो, यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो कि टाइल का हमारा जो भी वर्क है वो करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जब अपने घर का काम करते वक्त कुछ गलतियाँ कर देता है और आपको वो समझ में नहीं आती है, तो आपको उसका बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा ऐसी कौन सी गलती है जो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान बन सकती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो हमारा बाथरूम है वो किस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे बनवाया है। ग्रेनाइट का यूज़ किया है, टाइल का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो देख सकते हैं आप, ये हमारा जो ग्रेनाइट का वर्क है और टाइल का वर्क है, कितना भी आप यहाँ पे इस तरह का वर्क यानी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करोगे तो कुछ गलतियाँ जो है वो आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो हमारा फ्लोरिंग है नीचे का, उस फ्लोरिंग में और हमारा जो वॉल का टाइल है उसमें यहाँ पे गैप रह गए हैं, और ये जो गैप है वो बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है बाथरूम का, यानी बाथरूम में तो हमेशा पानी का यूज़ होता है, और यहाँ पे जो पानी का यूज़ होगा तो यहाँ पे इस तरह का जो वर्क रहेगा जहाँ से पानी हमारे घर में लीकेज हो सकता है, इस तरह का जो वर्क आप वहाँ पे करोगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में करेगा तो आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे इतना खर्चा किया है टाइल के लिए और बाकी का जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका जो भी नुकसान है वो आपको कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं देने वाला, और बाद में आपको यहाँ पे लीकेज के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और बाद में वहाँ पे आपके दीवारों में पानी आ सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है जो भी आप काम कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का काम करके लेना है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बार काम करके गया तो बाद में देखने भी नहीं आता है कि हमारा जो वर्क है वो किस तरह से हुआ है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको याद रखना है जो भी आप अपने घर का काम करते हो वो प्रॉपरली करना है, क्योंकि एक्यूरेट काम नहीं करोगे कुछ गलतियां हो जाएगी, तो वो गलतियां आपको बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकती है। बाद में आपको उस गलतियों को ठीक करना भी बहुत ही बड़ा आपके लिए सवाल हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।